आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स 2। इनसे पहला क्या होता था, हमारे पास अलजेब्रा और ज्योमेट्री होते थे, लेकिन अभी ज्योमेट्री हैज बीन नेम्ड एज मैथ्स 2। अभी ज्योमेट्री में फर्स्ट लेसन दिया हुआ है मैथ्स 2 में, दे गिवन यू एज बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री? देयर आर सम लाइंस आर देयर आर सम प्लेन आर देयर, there are some points also, all these things come together and it makes for some basic concept for geometry. Now we start with the points, how it works on in the lesson. So point, line and plane are some of the basic concept in geometry. And geometry mein kya hota hai, points, line aur plane, ye teeno cheez kya hai, main concept geometry mein। और यही लेसन में आप लोगों को इस तरह से लाइन भी दिया हुआ है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 और लेफ्ट हैंड साइड में 0 का -1 एंड -2 करके। तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ डी? डी का कोऑर्डिनेट क्या है 3, ई का कोऑर्डिनेट क्या है 4, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है -1, वाई का कोऑर्डिनेट क्या है -2। Like this way, we'll be doing the exercise practice at 1.1. The distance between two points is obtained by subtracting smaller coordinate from the larger coordinate. इसका मतलब क्या होता है? दो coordinate के बीच में अगर मेरे को distance चाहिए, for example, distance BE is how much? तो मैं क्या करूँगा? Larger coordinate क्या है? E का 4 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट डी का क्या है 3, तो 4 - 3 बिकम्स व्हाट 1। सो डिस्टेंस डीई का मेजरमेंट कितना है 1। इट इज लाइक दिस वे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी डी और ई इज ऑब्टेन्ड बाय सबट्रैक्टिंग व्हाट स्मॉलर कोऑर्डिनेट 3 फ्रॉम लार्जर कोऑर्डिनेट 4 यानी 4 - 3। इट इज लाइक दिस वे, द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस क्या रहता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मीन्स व्हाट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई का डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा, पहला पॉइंट सब्ट्रैक्ट किससे करूंगा, मैं सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम लार्जर कोऑर्डिनेट। तो मेरा स्मॉलर कोऑर्डिनेट क्या है -2, लार्जर कोऑर्डिनेट क्या है -1। सो हाउ आई विल सब्ट्रैक्ट -1 - -2, सो इट विल बिकम व्हाट इज इक्वल टू -1 - -1 क्या होता है +2, सो -1 + 2 बिकम +1, सो दिस बिकम्स माय पॉजिटिव नंबर। सो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डिस्टेंस पॉइंट इज व्हाट इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, सो 1 इज व्हाट माय नॉन नेगेटिव इट इज। Now coming to the next point known as betweenness. What is the meaning of betweenness? अगर आप लोगों को तीन पॉइंट दिया रहेगा पी क्यू आर, ये जो तीनों पॉइंट है आर थ्री डिस्टेंस कोलिनियर पॉइंट। What is the meaning of कोलिनियर? They will be there in one straight line. So point P, point Q and point R are will be in a straight line. There are three possibilities ऑफ बिटवीननेस, वॉट आर दे? पहला पॉसिबिलिटीज क्या रहेगा, क्यू पॉइंट क्यू इज इन बिटवीन पी एंड आर, क्यू क्या रहेगा पी और आर के बीच में रहेगा। अगर क्यू पी और आर के बीच में रहेगा तो सिंपली हम लोग कैसे लिखेंगे, पी डैश क्यू डैश आर, करेक्ट? सो ऑन द लाइन इट विल बी पी क्यू आर, क्यू विल बी इन बिटवीन पी एंड आर। व्हाट द कॉन्सेप्ट क्लियर? And as well as we want to find out distance PR. Distance PR के लिए मैं क्या करूंगा, distance PQ plus distance QR. See distance PQ plus distance QR is equal to what? Distance PR. ये हो गया मेरा तीन पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी कि पॉइंट Q बीच में रहेगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या रहेगा, इट विल बी लाइक पॉइंट P विल बी इन बिटवीन Q एंड R. करेक्ट, यानी क्यू एंड आर के बीच में कौन बीच में आएगा, पॉइंट पी बीच में आएगा। तो सिंपल के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे,
क्यू डैश पी डैश आर. सेकेंड पॉइंट इज ओवर. नाउ व्हाट विल हैपन हियर, आर पॉइंट विल बी इन बिटवीन पी एंड क्यू. वी राइट हियर आर पॉइंट विल बी इन बिटवीन पी एंड क्यू. तो इसका सिंपल हम लोग कैसे देखेंगे, पी डैश आर डैश क्यू, इट विल बी लाइक दिस. सो ऑल दिस थिंग्स व्हाट आई टॉट यू इट विल बी देयर इन प्रैक्टिस सेट 1.1. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर प्रैक्टिस सेट.